Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Ankita, और अभी बज रहे हैं रात के almost 9 बज चुके हैं और जब मैं इसको शूट कर रही हूँ इस वीडियो को तो अभी मैं करके दिखाने वाली हूँ आपको एक फेशियल और ये है खादी नेचुरल्स का पर्ल फेशियल किट, पर्ल शाइन फेशियल किट. दिस इज़ बेसिकली आपके फेस को शाइन देने के लिए और ब्राइटनिंग देने के लिए है ये. और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये इंस्टेंट ग्लो देता है और हेल्दी है, डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को और इसमें सारे 100% प्योर एक्टिव हर्बल्स यूज़ हुए हैं इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खादी नेचुरल्स एक हर्बल ब्रांड है तो इसलिए. तो ये मैंने ली है वहाँ से और इसमें जो नेट कंटेंट है वो हर एक प्रोडक्ट का 15 ग्राम है और 5 स्टेप हैं इसमें. मैं आपको उसकी डिटेल उसके साथ में बताती जाऊंगी. ये आता 300 रुपीज़ का है बट आपको हमेशा इसमें कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है. और चलिए तो अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली फेशियल किट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, डेफिनेटली खादी नेचुरल्स की तरफ से पहली फेशियल किट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं और भी फेशियल किट्स यूज़ कर चुकी हूँ, लाइक बायोटिक की कर चुकी हूँ, VLCC की कर चुकी हूँ. तो जैसे अभी मेरे पास ये 2 फेशियल किट्स ऑलरेडी रखी हुई हैं. ये है शर्लीज़ का टैन क्लियर करके कुछ है, वो फेशियल किट है, ये भी अभी है तो इसको मैं यूज़ नहीं कर रही. ये एक VLCC की है, ये कौन सी है, ये नीम की है फॉर एक्ने फ्री इंस्टेंट ग्लो. तो नॉर्मली मैं एक्ने वाली इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े एक्ने की इश्यूज हो जाते हैं इसलिए. इसमें भी गाइज इसमें जो नेट कंटेंट है वो ट्रीटी ऑयल है और बेजिल है और इसमें हर एक स्टेप में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट भी दिया हुआ है, लाइक रोज़ वाटर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, हनी, वीट जम ऑयल, तो ये सब है इसमें. तो मैं इसको फर्स्ट टाइम आज ट्राई करने वाली हूँ. मैंने ऑफकोर्स इसको खोल के देखा है बट मैंने इसके अंदर के प्रोडक्ट्स नहीं खोल के देखे हैं. तो ये ऐसी पैकिंग में आती है और ये आप देख सकते हो ये इसके अंदर के प्रोडक्ट्स हैं. ये ऐसे जार टाइप के छोटे छोटे जार्स हैं उसमें आता है. थोड़ा हो सकता है आप लोग को लगे इनकन्वीनियंट क्योंकि यू नो जार्स में बार बार फिंगर डिप करके निकालना पड़ता है तो वो थोड़ा हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि अच्छा नहीं है. बाकी स्टोरेज के लिए अगर कभी कुछ स्टोर करना हो तो इट्स गुड. तो अभी मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ और मैं एक एक स्टेप के साथ आपको बताती जाऊँगी कि इसमें और कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी. तो स्टार्ट करते हैं खादी नेचुरल्स का पर्ल फेशियल किट जो कि ब्राइटनिंग, शाइनिंग, ग्लोइंग, हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो मेरा फेस अभी महाडल हो चुका है, महाडल होके रखा हुआ है. तो क्योंकि मैं अभी बाहर गई थी और मैंने आके कोई क्लेंजर कुछ भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करना था. तो मैं इसका सबसे पहला स्टेप करने वाली हूँ जो कि है ये है खादी नेचुरल्स का पर्ल क्लेंजर. ये आप देख सकते हो ये है पर्ल क्लेंजर और इसमें दिया हुआ है कि इसमें रोज़ वाटर भी है और इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो आपको यहाँ पीछे पूरे स्टेप वाइज मिल जाएगा अगर आप इसको लगाते हो, कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है और उसको कितनी देर तक मसाज करना है, किस मोशन में मसाज करना है, ये पूरी डिटेल आपको इसके पैक के पीछे मिलेगी. तो इसका पैक एकदम से फेंकिएगा मत. ओके, और तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको जेंटली मसाज करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स सर्कुलर मोशन में और स्मॉल क्वांटिटी. तो ये है क्लेंजर और मैं अब इसको लेती हूँ थोड़ा सा और इसको मसाज करती हूँ. स्मेल तो अच्छी है और ये ऐसा दिखता है. मैं इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको कैसी कैसा है ये. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यूज करना. तो मेरे पास फेशियल ब्रशेस भी हैं लेकिन मैं जानबूझ के फेशियल ब्रशेस यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि सबके पास फेशियल ब्रशेस नहीं होते जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो इसलिए मैं फेशियल ब्रशेस यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो जैसा कि लिखा है कि सर्कुलर मोशन में हमें करना है तो वो हम कर रहे हैं. Thank you.
आपके पास बैंड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है पर वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बैंड का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब आपका अच्छे से क्लेंस करके हो जाए तो कोई भी वेट टॉवल आप ले लीजिए और उसको अच्छे से उससे पोंछ लीजिए। गाइज अब बारी है स्क्रब की और मैं करने वाली हूँ स्क्रब। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, और इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा है और ये है पर्ल जेल स्क्रब। तो अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये भी आपको एक ऐसे जार में आता है और 15 ग्राम प्रोडक्ट रहता है। और इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो है कि आपको इसको थोड़ा सा लेना है, जेंटली मसाज करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स, और आपको आँख के पास का एरिया अवॉइड करना है और फिर इसको लूक वॉर्म वाटर या फिर नॉर्मल वाटर से धो देना है, और ये आपको थोड़ा मॉइस्ट फेस में लगाना है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है। इसके पार्टिकल्स थोड़े से हार्ड लग रहे हैं अभी, बट आई थिंक हार्ड है। स्क्रब थोड़ा ड्राई लगने लगे तो आप उसमें थोड़ा सा पानी हाथ में लेके उसको मॉइस्ट कर सकते हो। छोटी छोटी फेशियल किट्स लेके घर में करना ये एक अच्छा तरीका है, यू नो, फादर जाने से टाइम सेव करने का। And also, इससे आपकी सारी डेड स्किन निकल जाती है, so it's good. डेड स्किन हो गया आपके, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। So guys, ये मेरा हो गया है और अब मैं अपना फेस धो के आती हूँ। So guys, ये है मेरा फेस नॉर्मल वाटर से धोने के बाद। अब हम करेंगे इसका थर्ड स्टेप जो कि है आई थिंक सो मसाज क्रीम, करेक्ट। और इसमें जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट दिया गया है वो है कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट। तो इसमें आपको ये ऐसे स्टेप्स लिखे हुए भी दिख जाएंगे, जैसे कि इसमें लिखा है स्टेप नंबर 3। तो ये मैं लेने वाली हूँ और इससे मैं करने वाली हूँ मसाज। आप अगर स्क्रब करें तो स्क्रब में थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि स्क्रब जो है वो थोड़ा हार्श लग सकता है आपको। तो ये है मसाज क्रीम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी लग रही है। ओके तो अब मैं ये यूज़ करने वाली हूँ और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको यूज़ करना है फॉर 10 मिनट्स ऑल ओवर द फेस और फिर उसको वाइप करना है एक मॉइस्ट कॉटन से या फिर वेट टॉवल से। तो मैं वही करूँगी। ये मैंने ले लिया, ये है मसाज क्रीम ऑल ओवर माय फेस एंड माय नेक। फिंगर्स को क्लीन रखिएगा नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, फिर वो हाइजीनिक नहीं रहता, इसलिए, क्योंकि आपको बार बार अपनी फिंगर्स डिप करके इसी जार में से निकालना है और ये पूरा आप एक टाइम तो यूज़ कर नहीं सकते। सो इसलिए तो ये मैंने पूरे में क्रीम लगा ली है और अब मैं इसको करूँगी मसाज। Thank you.
मेरा हो गया है और अब मैं एक वेट टॉवल जो मेरे पास है उसी को यूज़ करूँगी और मैं उससे पोछूंगी अपना पूरा फेस। That's it. और अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप की ओर। तो जो फोर्थ स्टेप है गाइज वो है सिंपल जेल जो कि एक पर्ल फेशियल जेल है और इसको भी हमें 5 मिनट तक जेंटली मसाज करना है और फिर क्लीन करना है एक नॉर्मल कॉटन से या फिर वेट टॉवल से। सो गाइज ये जो जेल है ये कुछ ऐसा दिखता है और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि ये हनी बेस्ड जेल है और इसको अब मैं लगाती हूँ। ये ट्रांसपेरेंट सा जेल दिखता है मुझे और इसमें पर्ल के एक्स्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं तो मैंने ऑल ओवर माय फेस लगा दिया। अब इसको 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। सो गाइज मेरा जेल लगाने का काम हो गया है और अब मैं अगेन इसको पोंछ रही हूँ। अगर आप कॉटन यूज करेंगे तो इट वुड बी बेटर, नहीं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने किस कोने से क्लेंजर पोंछा है तो उस कोने से आप जेल ना पोंछा, ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसलिए कॉटन इज अ बेटर ऑप्शन। और ये मेरा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया और अब बचा लास्ट और सबसे इजी और फाइनल स्टेप जो कि है पैक। सो गाइस अब हम लगाएंगे पैक, ये ऐसा दिखता है और इसमें है वीटजम ऑयल जो कि डार्क सर्कल्स और ब्लेमिशेस को हटाने में हेल्पफुल है और ये हमें लगाना है जब तक ये सूख नहीं जाता और फिर भी अबाउट 10-15 मिनट्स, तो ये मैं लगाती हूँ। वाओ अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, अब बहुत ही कम क्वांटिटी लगेगी, बहुत थिक लेयर नहीं लगाइए क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लोगों को लगता है कि थिक लेयर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा थिक लगा के बैठ जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उतनी ही लगाएं जितने की ज़रूरत है, डोंट गो वेरी नियर टू द आईज बट कवर ईच एंड एवरी पार्ट। हर एक जार को यूज़ करने से पहले प्लीज़ अपनी फिंगर्स अच्छे से साफ कर लीजिए क्योंकि इट कैन बी अ प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड्स। ये मेरा पूरा हो चुका है। वूहू फुल फेशियल डन, थक जाते हैं यार करते करते, थकान हो जाती है। सो ये सब हो गया है एंड फाइनली अब हमें वेट करना है इसके सूखने का और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट कि एक्चुअली फाइनल रिजल्ट कैसे होते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भाई आराम से 5 बार फेशियल हो जाएगा क्योंकि मुझे बहुत ही कम क्वांटिटी लगी। अगर आपको ज़्यादा लगे तो कह नहीं सकते पर मुझे
डेफिनेटली 5 बार तो ये चल ही जाएगा. ओके गाइज, सो दिस इज़ द फाइनल लुक. जबकि मैंने अपना फेस पैक हटा दिया है, इट डेफिनेटली गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ शाइन एंड इंस्टेंट ग्लो दैट आई कैन फील इट फॉर श्योर. बट मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी, फेशियल को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करिए. एटलीस्ट मेक अ गैप ऑफ 15 days, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो स्किन लूज हो जाती है. आफ्टर दिस फेशियल आई डू फील कि मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट और बाउंसी हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली इट क्लेंजेज, इट यू नो स्क्रब्स इन, तो एक प्रकार से क्लीन अप बहुत अच्छा हो गया है. ऑल्सो इफ़ यू आर इन अ वेरी यंग एज, आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर आप स्कूल में हैं, वैसे तो स्कूल में फेशियल नहीं करना चाहिए, मैंने तो कभी नहीं किया, तो मैं आपसे ये बोलूँगी ट्राई एंड गो फॉर क्लीन अप्स रादर देन फेशियल. मैं खुद उतना फेशियल नहीं करती हूँ. दीज आर पैकेट्स लाइक मेरे पास आई थिंक ये 3-4 महीनों से पड़े हुए हैं और अभी भी मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ, इतना है. सो ट्राई एंड गो फॉर क्लीन अप्स. और क्लीन अप तो आप घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करके कर सकते हैं, लाइक अ बेसिक उपटन और अ बेसिक क्लेंजर, वो सब करके भी कर सकते हैं. सो या दैट वॉज माई वीडियो ऑन द खादी नेचुरल्स पर्ल फेशियल किट. दिस वॉज द किट. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए. ऑल्सो गाइज, मुझे कोई प्रोफेशनल यू नो वो नहीं आता था कि हाथ कैसे चलाते हैं फेशियल में, ये वो. मैंने जो किया है वो एक नॉर्मल जो जिसे सब करते हैं लाइक सिंपल मसाज और सर्कुलर मोशन, जो उतना वो मैंने किया. सो आई होप उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे. और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन दिस इज मी अंकिता सिंह, गुड बाय.